ओके, सो वन मोर बिग क्वेश्चन एंड मोस्टली लास्ट बिग क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए? उसको ही अलग तरीके से पूछा है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं? एंड थर्ड, राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्टेप्स टेकन इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखते हैं, अर्थ कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टॉकहोल्म इन स्वीडन इन 1972 टू डिस्कस द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एट ग्लोबल लेवल। तो भाई अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ, कौन सा? अर्थ कॉन्फ्रेंस मतलब अर्थ, मतलब अर्थ हमारा पृथ्वी, ओके, और कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस मतलब के सारे कंट्रीज, मेजरली सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा हुए, कौन सी चीज डिस्कस, जैसे कि हमने वो जिनेवा शिकागो वाला पढ़ा था, ओके, तो वो किसके लिए थी? स्पिरिचुअल लीडर्स की वो कॉन्फ्रेंस थी, ओके, सब स्पिरिचुअल लीडर्स आए हुए थे यहाँ पे, साइंटिस्ट लोग और से पर्टिकुलरली अर्थ को कैसे बचाया जाए उसकी बात करने के लिए आ रहे हैं। सो हुआ था वो अर्थ कॉन्फ्रेंस 1972 में स्वीडन में, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। देयर आफ्टर मेनी सच कॉन्फ्रेंसेस एंड कन्वेंशंस हैव टेकन प्लेसेस टू डिस्कस द एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यू। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हुए एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यू को डिस्कस करने के लिए। India has actively participated in these global events and adopted the resolution passed for the protection of the environment. तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई, जितनी भी मीटिंग्स हुई, उसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, प्रॉमिस किया है कि जो जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया डेवलपमेंट करेगा, ओके। जैसे कि अभी लास्टली जो मीटिंग हुई थी उसका मुझे पता है, तो उसमें नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि बाई 2060 वी विल बी जीरो वेस्ट नेशन। जीरो वेस्ट मतलब कि इंडस्ट्री का डिस्पोजल की बात की हमने, तो इंडस्ट्री का डिस्पोजल मतलब इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में जो वेस्ट है, उसको भी कोई ना कोई तरीके से यूज करेंगे, वेस्ट ही नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि भाई आरओ है, तो आरओ में मीठा पानी तो हम पी गए, और जो बाकी वाला जो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर, सैलाइन वाटर, उसको हमने प्लांट में डाल दिया, तो वेस्ट कहाँ है फिर? जीरो वेस्ट हो गया ना, वेस्ट है ही नहीं। तो वैसे बाई 2060 इंडिया विल अचीव जीरो वेस्ट, ओके, जीरो वेस्ट। तो भाई क्यों 2060 तक रुक गए, अभी कर दो 5 साल में? अरे हमें डेवलपमेंट भी तो करना है, हम तो डेवलपिंग नेशन है, ओके, डेवलपिंग। अभी सपोज यूएसए बोल दे कि हम 3 साल में कर देंगे जीरो वेस्ट, तो वो कर सकते हैं भाई, वो डेवलप्ड हो गए ऑलरेडी, उन्होंने एनवायरनमेंट को ऑलरेडी जितना बिगाड़ना था बिगाड़ दिया है, बिगाड़ना था तो उन्होंने एनवायरनमेंट को जितना भी स्पॉइल करना था, डैमेज करना था, बिगाड़ना था, वो बिगाड़ दिया, तो वो 3 साल में कर सकते हैं। अब उनका देख के हम भी हम भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, ओके, क्यों? क्योंकि हमें तो भाई, हम ऐसा नहीं बोल रहे हम वेस्ट करना चाह रहे हैं और हम पॉल्यूट करना चाह रहे हैं एनवायरनमेंट को, नहीं, लेकिन भाई अभी से ही हमने जीरो वेस्ट कर दिया तो हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे? इतनी बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी, जो अभी तो पॉवर्टी लेवल को भी कितना वर्क करना है उसके ऊपर, तो वो सब कब करेंगे? सो दैट इज व्हाई हमने ये सोच समझ कर प्लान करके ये ईयर पक्का किया है 2060, और अभी तो 2047 मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स में तो हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ऐसा मोदी जी ने गोल रखा है, बोल सकते हैं गोल, ओके, गोल रखा हुआ है, एम रखा हुआ है कि बाय द नेक्स्ट 25 इयर्स, अभी 23 चल रहा है, तो 2047 तक इंडिया विल बी डेवलप्ड नेशन, ओके,
मतलब अभी सपोज तुम 15 साल के हो तो तुम 40 साल के हो जाओगे, सो यू विल बी इन डेवलप्ड इंडिया. अभी तुम फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब हम स्कूल टाइम पे थे ना तब तो हम डेवलपिंग इंडिया में थे, अभी हम डेवलप्ड इंडिया में. क्यों? फैसिलिटीज बढ़ जाएगी डेवलपिंग इंडिया में. जैसे अभी कई लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए. क्यों? वहां फैसिलिटीज ज्यादा है. क्यों फैसिलिटीज ज्यादा है? वो डेवलप्ड हो गए भाई, पैसे हैं उनके पास, अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है, तो वो हम भी कर सकेंगे. अंडरस्टूड? तो क्या स्टेप्स लिए हैं, वन बाय वन देखते हैं. इंफॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द मेजर सिटीज इज कलेक्टेड एंड पब्लिश. तो भाई अब हम सारी सिटीज, बड़ी बड़ी जो सिटीज है जहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी है, उसका पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन हम लेते हैं. हम मतलब गवर्नमेंट लेती है कि कहां कितना पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन लेती है और उसको पब्लिश भी करती है. पब्लिश करेगी तो क्या होगा, पता चलेगा ना लोगों को. जैसे कि भाई अभी डेटा पब्लिश हो और तुम्हें पता चले कि भाई अंकलेश्वर का जो एयर इंडेक्स है वो बहुत ही लो है, मतलब बहुत खराब क्वालिटी की एयर है, जो खराब है वो मतलब अच्छी क्वालिटी वाली लो है ऐसा बोल रहा हूँ. सो जो बैड क्वालिटी है, इन शॉर्ट अंकलेश्वर की जो एयर है वो बैड क्वालिटी की है ऐसा तुम्हें पता चले, और अगर तुम्हें अभी नया घर रहना हो, लेना हो, ओके सपोज तुम बाहर से आए, कोई आउट ऑफ स्टेट से आया है, ओके आउट ऑफ गुजरात से आया है और गुजरात में उसकी जॉब सपोज दहेज में लगी है, तो उसके पास ऑप्शन है कि दहेज में ही रहे या फिर यहाँ पे भरूच में रहे और से अंकलेश्वर में रहे. ओके सपोज सबसे सस्ता अंकलेश्वर में मिल रहा है, ओके और से दहेज में भी मिल रहा है, सबसे सस्ता दहेज में मिल रहा है लेकिन दहेज में फैसिलिटीज नहीं है, फिर उससे महंगा अंकलेश्वर में मिल रहा है और उससे भी महंगा भरूच में घर मिल रहा है. तो अब हमारे पास चॉइस है, मतलब वो बंदे के पास, वो फैमिली के पास चॉइस है कि रहे तो कहाँ रहे. तो सब कुछ देखना पड़ेगा, जैसे मैंने स्कूल की, सब्जी मंडी की, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, स्कूल, उनकी बात की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओके एट द सेम टाइम भाई ब्रीद करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का पानी, अच्छी क्वालिटी की एयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सब जगह का पानी भी अलग होता है, पता ही है ना तुम्हें. ओके नहीं हम कहीं कोई रिलेटिव के वहां जाते, अरे तुम्हारा पानी तो कैसा है, कोई टेस्ट ही नहीं है, ऐसे ये बहुत खारा है, सॉल्टी है, ओके तो ऐसे सब बोलते हैं ना. तो सब जगह का पानी का टेस्ट भी अलग होता है. हाँ फिर तुम आरओ का ही पियोगे तो अलग नहीं. तो वही बोल रहे हैं, ओके कि इंफॉर्मेशन लेंगे पॉल्यूशन लेवल की और उसको पब्लिश करेंगे. पब्लिश करेंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी. जैसे कि अभी जो भी डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो एयर क्वालिटी है दिल्ली में, सारे इंडिया में दिल्ली में एयर क्वालिटी सबसे खराब है. सबसे खराब एयर क्वालिटी कहाँ पर है? पूरे इंडिया में, इंडिया के कैपिटल में दिल्ली में. ओके सोचो, तो ये पब्लिश करेंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि भाई ऐसा. इसलिए तो बीच में अभी, बीच में इन द सेंस कौन है वहाँ पे सीएम, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वो ऑड इवन रूल लाए थे. ऑड इवन रूल मतलब क्या, तुम्हारी गाड़ी का नंबर जो है वो अगर ऑड नंबर है तो उन्होंने दिन स्पेसिफाई किए हुए कि संडे तो सब लोग गाड़ी घुमा सकते हैं लेकिन सपोज मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, ओके सिर्फ ऑड नंबर वाली जो गाड़ी है वही घुमानी है, और ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, और मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, तीन तीन दिन. ओके संडे सब लोग घुमाओ लेकिन ये तीन तीन दिन दूसरी गाड़ी नहीं आनी चाहिए. मतलब तुम्हारा ऑड नंबर है और आज इवन डे है तो तुम वो गाड़ी नहीं घुमा सकते, और अगर घुमाई और पकड़े गए तो चालान, फाइन कटेगा. क्यों, ऐसा कैसा रूल यार? तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम नंबर ले क्या? अरे कोई भी नंबर लो, रोज तो किसी का आने नहीं वाला. तुम ऑड लो या इवन लो, रोज तो चला ही नहीं सकते. ओके नहीं तो फिर दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी और नंबर भी चूज करना पड़ेगा, उसके भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे. क्यों किया ये? इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में, इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग ऑटोमोबाइल्स सिटी है. मतलब इतने ज्यादा व्हीकल है, इतने ज्यादा व्हीकल है, एक घर में दो दो तीन तीन व्हीकल है. बाइक की बात कर रहा हूँ, कार अलग.
एक ही घर में मोपेड और बाइक दो दो तीन तीन है, सब लोग ऐसे ड्रू चल रहे हैं, अरे भाई कितना एयर पॉल्यूशन हो गया, कोई सोच ही नहीं रहा है, अब फाइन कटेगा तो नहीं चला पाओगे, समझ में आ रहा है? ओके हाँ, सो एयर पॉल्यूशन वाला देखा हमने, नेशनल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन सेट अप, तो नेशनल लेवल पे भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया गया और स्टेट लेवल पे भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किए गए, जैसे कि गुजरात का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड GPCB, ओके ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है GPCB, ओके जैसे कि तुमने कभी कभी न्यूज में शायद सुना हो लेकिन ध्यान नहीं होगा, अब ध्यान में आएगा कि न्यूज हेडलाइन है या कहीं पे पेपर में लिखा हुआ है कि भाई GPCB ने रेड डाल दी और अंकलेश्वर की ये कंपनी को सील कर दिया और से 2 करोड़ रुपीस का फाइन लगा दिया, ओके 2 करोड़ रुपीस का, क्यों GPCB ने रेट डाली, तो ये रेट क्यों डाली, रेट डाली मतलब कि भाई तुम्हें बोला है कि भाई तुम ऐसे डिग्रेड और से डिस्पोज नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल वेस्ट, और वो रात के अंधेरे में हवा में भी जाने दे रहा है, नाले में भी जाने दे रहा है और लैंड पे भी कहीं ना कहीं फेंक दे रहा है वो कंपनी वाले, तो फिर क्या होगा, पकड़ रेड पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, रेड पड़ेगी और पकड़े गए तो फाइन, तो ये पकड़ने का काम जैसे कि इनकम टैक्स जो पैसों की चोरी करते हैं, गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रेड करते हैं, तो वैसे ही यहां अगर कोई गलती करे तो GPCB देखता है, ओके दैट इज गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अंडरस्टूड, ओके तो नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी ये बोर्ड्स बनाए गए हैं, ये तो पता ही है तुम्हें, 5 जून को हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो लिख दो। देन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1981, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ओके जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक्ट रूल लाए हैं, कब बनाया था 1981, has signed the international agreements about deteriorating level of ozone, disposal of nuclear waste and maintenance of biodiversity. तो हमने international agreement sign किए हैं किसके साथ, भाई जो भी particular organization होगी international level पर उसके साथ, जैसे कि business related हमने last lecture में देखा था WTO World Trade Organization, तो वो बिजनेस रिलेटेड जो बैरियर्स है उसको हटाएगी, दो नेशन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको रिसॉल्व कर देगी, वो बिजनेस रिलेटेड, ये किसके रिलेटेड, ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड, अंडरस्टूड, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, भाई वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 20 कंट्रीज है तो वो 20 कंट्रीज को साइन करने पड़ेंगे एग्रीमेंट्स, अच्छा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाएंगे लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी जो वेस्ट होगा तो उसको हम अच्छे से सपोज इतने मीटर डीप गड्ढा करके जमीन के अंदर डाल देंगे, सो दैट वो बाहर ना आ पाए, कई न्यूक्लियर पावर प्लांट कई यूएसए में ऐसे हैं तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू तो कर दिए, उनके पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी है कि तुम पूरा दिन लाइटें ऑन रखो, पता है ना ये जापान टोक्यो वहां की नाइट लाइफ के फोटोग्राफ्स और वीडियो देखना यूट्यूब, मतलब तुम्हें इतनी लाइटें कि मतलब तुम्हें लगा अरे यार इनके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है क्या, सब जगह ऐसे बोर्ड ही लगे हुए होंगे बोर्ड, और बिल्डिंगें भी ऐसे तुम्हें दिखाई देगी कि पूरी बिल्डिंग में देखो यहाँ ये कलर है यहाँ ये कलर है, लाइटें हम सोचेंगे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनता है लेकिन उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट को हम कहीं डाल नहीं सकते, ये वेस्ट तो तुमने डाल दिया एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया, लेकिन ये वेस्ट को तुम अगर ऐसे ही डाल दिए ना तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं जो कांटेक्ट में आएंगे उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी और डिजीज हो जाएगी, तो उसका वेस्ट कैसे करते हैं डिस्पोजल कैसे करते हैं, जमीन में बहुत ही डीप गड्ढा करते हैं और उसके अंदर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाल देते हैं और फिर गड्ढा बंद कर देते हैं, ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। अब जहां जहां अमेरिका में ऐसे न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया गया है
उसमें से कई जगह तो ऐसी है जो बहुत ही क्रिटिकल है. कौन से सेंस में क्रिटिकल है? अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक वहां आने के चांसेस ज्यादा है. सोचो वहां अर्थक्वेक आया, वो फटा और सब कुछ बाहर. हाँ बोलो. क्या करता है वो? लाइट. हाँ तो सर वो इस बार मैं पूछ सकता है वो क्यों चलाता है लाइट ऐसा? मैंने एक जगह पर एक क्वेश्चन उसमें पढ़ा था कि पहले आता था लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में से निकल गया. पहले ये क्वेश्चन आता था. कंटेक्स्ट कंसेप्ट अगर सही सही हो तो पूछा जा सकता है, लेकिन वो लाइट क्यों जलाता है और उसका पर्पस क्या है वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे. उसकी बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसकी फिर सपोज लाइट जल गई, अब तुम्हें दिख रही है दूर से या नहीं दिख रही है, ये लाइट जली हुई है ओके, ये भाई येल्लो है या रेड है या व्हाइट है, तो उसका फिजिक्स का फिनोमिना यूज करके पूछ सकते हैं. केमिस्ट्री अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है तो पूछ सकते हैं. कुछ भी बायो भी बनता है. अगर बायो का भी जैसे हमने वो पाइरुवेट और वो एनर्जी वाला देखा था, तो उसके रिलेटेड भी कुछ बनाना हो तो एग्जांपल कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कंसेप्ट अगर मिक्स कर दिए तो पूछ सकते हैं. लेकिन उसके बारे में उसकी लाइफ उसका बर्थ कैसे होता है वो जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो तुम्हें नया पता हो तो चलेगा ओके. हाँ सो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आ गया था 1981 में और बहुत सारे हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं ओके, न्यूक्लियर वेस्ट एंड ऑल सबके लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जो ओजोन लेवल का डिटोरिएटिंग हो रहा है, मतलब ओजोन लेवल जो है उसका लेवल, ओजोन लेयर ओके, तो ऊपर पता है ना ये, तो ये भी आ गया है ना हमारा ओजोन लेयर है ऊपर पूरा. तो ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो ओजोन लेयर की वजह से वो अंदर आ नहीं पाते. अगर वो नहीं होता तो वो डायरेक्टली आके हमारी स्किन पे आते और हमें बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं. लास्ट पॉइंट, स्टेप्स हैव टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन द कंट्री. तो अगर स्टेप्स भी लिए गए हैं, मतलब स्टेप्स मतलब क्या, अवेयरनेस प्रोग्राम कि भाई सपोज 5 जून को हम एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम कि भाई लोग रैली, स्कूल के बच्चे रैली लेके निकल रहे हैं, या फिर ड्राइंग कंपटीशन है या इलोक्यूशन कंपटीशन है, तो ये सब क्या है, अवेयरनेस है ओके. तो अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो वही बोल रहे हैं स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस. किस चीज की अवेयरनेस? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस. डन. तो सारे ही क्वेश्चन एकदम सिंपल वाले थे, राइट? क्वेश्चन इन द सेंस आंसर ओके, जो एकदम इजी इजी पॉइंट है वही सारे पॉइंट थे. तो हमारा बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ